अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। खुशामदीद आपका हमारे YouTube चैनल अफीफा खान एच के फैशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेबी टॉप स्कर्ट के बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की कटिंग और स्टिचिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ पर हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक से हम सबसे पहले टॉप तैयार करेंगे। टॉप पार्ट की टोटल लेंथ हमें लेनी है 15 इंच, यानी 15 इंच। 15 इंच पर मार्किंग करनी है। ये देखिए, मार्किंग कर लेने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। शोल्डर हमें रखने हैं 7 इंच, यानी 7 इंच। 7 इंच पर मार्किंग करनी है। आर्म होल लेने हैं हमें 5 इंच, यानी 5 इंच। 5 इंच पर मार्किंग करनी है। राउंड शेप में लेते हुए आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से। ये देखिए, आर्म होल की कटिंग हमने कर ली है। ये हम बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव्स हमें रखने हैं 7 इंच, यानी 7 इंच। सात इंच पर मार्किंग कर लेने के बाद हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से फैब्रिक को हमने कट कर लिया है। टॉप पार्ट के आर्म होल के बराबर स्लीव्स के आर्म होल को कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से मार्किंग करते हुए स्लीव्स के आर्म होल को कट कर लेना है। ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। आपसे एक भी स्टेप मिस ना हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। ये देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। स्लीव्स को टॉप पार्ट से इस तरीके से अटैच करना है और इस पर स्टिचिंग कर लेनी है। यहाँ पर हम स्कर्ट पार्ट को रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और फिर हमने इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। स्कर्ट पार्ट की टोटल लेंथ हमें लेनी है 18 इंच, यानी 18 इंच। 18 इंच पर मार्किंग करनी है। मार्किंग हमें राउंड शेप में करनी है। एक इंच का मार्जिन लेते हुए हमें फैब्रिक को कट कर लेना है। ये देखिए, हमने फैब्रिक को कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। स्कर्ट की वेस्ट को 3 इंच पर मार्किंग करते हुए हमें कट कर लेना है। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। इसे हम बाद में रेडी करेंगे। ये हमारा टॉप पार्ट है। यहाँ पर हमें स्लीव्स लगानी है कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने स्लीव्स लगा ली हैं, कुछ इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ऊपर से हमें फोल्ड कर लेना है, यानी हमें यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से स्लीव्स को भी फोल्ड करते हुए हमें स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है। नेक पर अब हम लास्टिक लगाने वाले हैं। लास्टिक की टोटल लेंथ हमें लेनी है 15 इंच, यानी 15 इंच। दो इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद हमें लास्टिक पर स्टिचिंग कर लेनी है। स्लीव्स पर भी हम लास्टिक लगाने वाले हैं। स्लीव्स की लास्टिक हमने ली है 6 इंच, यानी 6 इंच। दो इंच फैब्रिक छोड़ते हुए मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद लास्टिक पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने लास्टिक पर स्टिचिंग कर ली है, नेक पर भी और स्लीव्स पर भी। ये देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अब हमें साइड पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने स्टिचिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। अब हम नीचे लास्टिक लगाने वाले हैं। नीचे भी सेम तरीके से हमें लास्टिक लगानी है। नीचे की लास्टिक हमने ली है 20 इंच। दो इंच फैब्रिक छोड़ते हुए हमें लास्टिक पर स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने स्टिचिंग कर ली है और टॉप पार्ट बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। ये हमारा स्कर्ट पार्ट है। स्कर्ट पार्ट पर हमें बेल्ट को अटैच करना है। बेल्ट की टोटल विड्थ हमने ली है 12 इंच और इसकी टोटल लेंथ हमने ली है 3 इंच। यहाँ पर हमें स्टिचिंग कर लेनी है और नीचे हमें पीकू कर लेना है या फिर हम फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए स्कर्ट पार्ट बिल्कुल हमारा बनकर रेडी है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।